लास्ट चैप्टर में हमने गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का ही एक और ब्रांच लेजिस्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कोई भी लॉ बनने का प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडिया में नेशनल लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और अलग अलग स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेज है। जब लेजिस्लेचर में दो हाउस होता है तो उसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ये दो हाउस है लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में भी दो हाउसेज हो सकते हैं, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन उनके पास ये चॉइस होता है कि उनको यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर रखना है या बाई कैमरल लेजिस्लेचर। विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन अभी सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। वैसे कंट्रीज जो साइज में बहुत बड़े हैं और जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है वो जनरली प्रेफर करते हैं कि नेशनल लेजिस्लेचर में दो हाउस हो, क्योंकि इससे हर सेक्शन को और कंट्री के हर पार्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एक और फायदा ये है कि इससे कोई भी डिसीजन डबल चेक हो जाता है। मतलब अगर पहले हाउस ने कोई बिल जल्दबाजी में पास कर दिया हो तो दूसरे हाउस में उसे रीचेक किया जा सकता है। अब नेशनल लेजिस्लेचर के दोनों हाउस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है राज्यसभा। राज्यसभा भारत में जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। इसका इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब सिटीजन्स अपने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी MLAs को चुनते हैं और वो MLAs राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेशन देने का दो तरीका हो सकता है, एक तो सभी स्टेट्स को बराबर सीट दे दिया जाए, इसे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और दूसरा कि उनके पॉपुलेशन के रेशियो में उनको सीट दिया जाए। USA में जो हाउस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसे सेनेट कहते हैं। तो सेनेट में वहाँ हर स्टेट के पास इक्वल सीट है, 50 स्टेट है और सभी के पास दो दो सीट है। लेकिन भारत में सीट स्टेट के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया जाता है। जैसे UP की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनके पास राज्यसभा में 31 सीट्स है, वहीं सिक्किम की बहुत कम है तो उनके पास एक ही सीट है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि राज्यसभा का हर एक सीट लगभग बराबर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी की पॉपुलेशन थी लगभग 20 करोड़ और सिक्किम की लगभग 6 लाख। तो अगर इन दोनों स्टेट के पास इक्वल सीट होता, फॉर एग्जांपल दो दो सीट होता, तो मतलब सिक्किम के 6 लाख लोगों के लिए दो रिप्रेजेंटेटिव और यूपी के 20 करोड़ लोगों के लिए भी दो ही रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा न हो इसलिए पॉपुलेशन को बेस बनाया गया। राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, लेकिन सबका टर्म एक साथ नहीं खत्म होता है। शुरुआत से ही ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हर दो साल पे 1/3 मेंबर का टर्म पूरा हो जाता है और सिर्फ उसी 1/3 सीट पे इलेक्शन होता है। इसीलिए राज्यसभा लोकसभा की तरह कभी भी फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है और इसीलिए इसे पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस कहते हैं। इस अरेंजमेंट का फायदा यह है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी है फिर भी राज्यसभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है और कुछ अर्जेंट काम हो तो किया जा सकता है। राज्यसभा के टोटल 245 सीट में से 12 सीट पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस की फील्ड में कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन करने वालों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट लोकसभा। लोकसभा जनता का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को सिटीजन्स डायरेक्टली चूज करते हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए भी हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। ये इस तरह डिवाइड किया जाता है ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर पॉपुलेशन हो। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है और कोई दूसरी पार्टी या कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है तो ऐसे में लोकसभा को प्रेसिडेंट के द्वारा टर्म पूरा होने से पहले भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्लियामेंट के फंक्शंस को देखते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कानून बनाना। वैसे तो ये चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन एक्चुअल ड्राफ्ट बिल बनाने का काम ब्यूरोक्रेसी और जो मिनिस्ट्री उस बिल से रिलेटेड है वो करती है। पार्लियामेंट सिर्फ उस बिल को अप्रूव करने का काम करता है। दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना ताकि वो सिटीजन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहे। ये वो कैसे करता है इसे हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा फंक्शन है गवर्नमेंट के खर्चों पे नज़र रखना कि गवर्नमेंट सही जगह खर्च कर रही है या नहीं, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रही है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के गवर्नमेंट पैसे खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स के पैसे खर्च करती है और टैक्स सिटीजन्स पे करते हैं। अगर कोई नया टैक्स भी लगाना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। एक फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन का।
पार्लियामेंट कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राज्यसभा में हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोकसभा में भी हर कम्युनिटी और सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगला फंक्शन है किसी भी मैटर पर डिबेट करना। पार्लियामेंट में हर मेंबर के पास किसी भी मैटर पे खुल के बोलने का अधिकार है। इससे किसी भी इशू को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वो भी पार्लियामेंट का ही काम है। इसके लिए अलग अलग दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाना होता है। अलग अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होता है। बाकी ऑर्डिनरी बिल में अगर एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे ने पास नहीं किया तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। इसमें दोनों हाउस के मेंबर एक साथ बैठ के बिल पे डिस्कशन करते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर है, आज तक बस 3 बार ही ऐसा हुआ है। इसके बाद कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, क्योंकि इस इलेक्शन में एमपीज को वोट डालना होता है। कुछ जुडिशियल फंक्शंस हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, इनको अगर हटाना हो तो वो भी पार्लियामेंट का ही काम है। ये सब तो पार्लियामेंट का जनरल फंक्शन है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो दोनों हाउस का स्पेशल फंक्शन है। राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका काम है स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है जो बताता है कि कौन से मैटर पे किसके पास कानून बनाने का अधिकार है। एक है यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, एक है स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है। तो राज्यसभा के पास एक पावर है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कोई लॉ बनाना चाहती है या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर करना चाहती है तो उसके लिए राज्यसभा से अप्रूवल लेना होगा। दूसरा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो वो प्रोसेस सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। कुछ स्पेशल पावर लोकसभा के पास भी है, जैसे मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा में मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है, राज्यसभा में नहीं। मतलब राज्यसभा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती है, ये पावर लोकसभा के पास है। लेजिस्लेचर का बेसिक फंक्शन है लॉ बनाना। तो अब लॉ बनाने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जो लॉ बनाना है उसके ड्राफ्ट को बिल कहते हैं, और जब वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तब वो बिल एक्ट बन जाता है। बिल को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। जब मिनिस्टर्स कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं, और जब मिनिस्टर्स के अलावा कोई और मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन मनी बिल और मनी बिल। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, बोरिंग या टैक्सेस से रिलेटेड कोई बिल है तो उसे मनी बिल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में से डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो भी बिल है वो नॉन मनी बिल है। नॉन मनी बिल में भी 2 कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करने के लिए बिल, और दूसरा ऑर्डिनरी बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट छोड़ के बाकी सब। कई बार बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए इससे पहले ही इस पे डिबेट और डिस्कशन शुरू हो जाता है। जैसे ऑपोजिशन पार्टी या सिटीजंस गवर्नमेंट को किसी पार्टिकुलर बिल लाने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। फिर अगर कोई लॉ बनाना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चैलेंजेज आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। जब ये सब हो गया उसके बाद ड्राफ्ट बिल बनाया जाता है। ये काम होता है उस बिल से रिलेटेड मिनिस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़कियों के मिनिमम मैरिज एज को 18 से बढ़ाकर 21 करना है तो इसका बिल लॉ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इस सब के बाद इसे हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। बिल के प्रोसेस को समझने से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। कोई भी लॉ बनाने में इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत होती है और इसमें टाइम लगता है, और पार्लियामेंट तो जब जब सेशन होता है तभी बैठती है। दूसरा कि पार्लियामेंट में बहुत मेंबर्स होते हैं तो इतने लोगों में डिटेल डिबेट करना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए अलग अलग मैटर के लिए कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसे ही पार्लियामेंट्री कमिटी कहते हैं। इसमें हर पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो बिल पे डिटेल डिस्कशन करते हैं और अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, इसीलिए इसे मिनिएचर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। इसके अलावा हाउसेस के डे टू डे वर्क में भी कमिटी का बहुत बड़ा रोल है। पार्लियामेंट्री कमिटी 2 तरह का होता है। एक स्टैंडिंग कमिटी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का परमानेंट कमिटी होता है, जैसे कमिटी ऑन रेलवेज, कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर। जब जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बिल आता है तो उसे उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी, ये टेम्पररी कमेटी होता है जिसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और काम पूरा होने के बाद हटा दिया जाता है।
कभी कभी किसी बिल को डिस्कस करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाया जाता है। इसमें दोनों हाउसेस से कुछ कुछ मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। इन सब कमेटी से पार्लियामेंट का थोड़ा बर्डन कम हो जाता है। अब वापस बिल पे आते हैं। सबसे पहले बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर या तो उस पर डिस्कशन होता है या जनरली उस बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी को उसे रेफर कर दिया जाता है। कमेटी उस पर डिटेल डिस्कशन करती है, फिर अपना रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट पे आम जनता भी अपना व्यू पॉइंट देती है। हाउस इस रिपोर्ट को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, बट जनरली मान लेता है। इसके बाद हाउस में उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होता है। अगर बिल पास हो गया तो दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है, वहां भी डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होता है। अगर पास नहीं हुआ तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। अगर पास हो गया तो बिल प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है, वो अप्रूव कर सकते हैं या अगर चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और अगर रिकंसिडर करके दोबारा उनके पास भेज दिया जाए तो इस बार उनको साइन करना कंपलसरी हो जाता है। प्रेसिडेंट ने साइन किया, बिल बन गया एक्ट यानी लॉ। मनी बिल के केस में इसे सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जब ये राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। या तो एक्सेप्ट कर लें या कुछ सजेशंस दे सकते हैं, या अगर 14 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो भी मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया। राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट सजेस्ट किया है उसको लोकसभा चाहे तो माने चाहे न माने। तो मतलब मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। अब समझते हैं पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव को लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी है इसके बाद भी पार्लियामेंट का काम है एक्टिवली चेक करते रहना कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे ये इंश्योर किया जाता है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास खुल के बिना किसी से डरे अपना काम करने की आज़ादी है। पार्लियामेंट के अंदर दिए गए उनके किसी भी स्टेटमेंट या एक्शन पे सिविल या क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। इन सबको कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। लेजिस्लेचर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनका काम है ये देखना कि कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का गलत फायदा न उठाए। कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल और नो कॉन्फिडेंस मोशन। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन मतलब पार्लियामेंट किसी भी बिल पे या किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन कर सकती है। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसमें हर दिन सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है जिसमें मेंबर्स मिनिस्टर्स से किसी भी इशू पे सवाल पूछ सकते हैं और उनको जवाब देना होता है। इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे महंगाई, गरीबी, दंगे, करप्शन। इसके अलावा 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये सब भी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करके मिनिस्टर्स से सवाल किया जाता है। दूसरा है अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से बिल पास करवाना होता है। हाँ, अगर एक ही पार्टी फुल मेजोरिटी में है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई लॉ लंबे नेगोशिएशन और डिस्कशन के बाद ही बनता है। गवर्नमेंट के फाइनेंस पे भी लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट को हर साल वो कहाँ कितना खर्च करने वाली है इसका बजट लोकसभा में पास करवाना होता है, इस पे बहुत डिस्कशन होता है। अगर गवर्नमेंट फंड का मिसयूज कर रही है तो उस पे इंक्वायरी हो सकती है। गवर्नमेंट अपने बजट में किस पॉलिसी को कितना इम्पोर्टेंस दे रही है, मतलब किस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है और किस पे कम पैसे खर्च कर रही है, इसे भी चेक किया जाता है। सबसे पावरफुल वेपन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अगर ये पास हो गया मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, और अगर कोई पार्टी या कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी तो न्यू इलेक्शन होगा। ये सब टूल्स हैं जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन होता है, तो जरूरी है कि ये डिबेट मीनिंगफुल हो। तो इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं ताकि पार्लियामेंट स्मूथली फंक्शन कर सके। इन सब से रिलेटेड मैटर में लेजिस्लेचर में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है। अगर कोई रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकते हैं। कंट्रोल करने का एक और तरीका है एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल लेना, पार्टी चेंज कर लेना। पार्लियामेंट में अधिकतर मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक पार्टी से इलेक्ट होने के बाद मेंबर्स अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग पार्टी चेंज कर लेते थे, मतलब इलेक्ट किसी और के टिकट पे हुए और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए। इसके लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इस सबसे रिलेटेड केस में भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही फाइनल अथॉरिटी होता है। अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है और एक टाइम पीरियड के लिए उसे मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी मेंबर को उसकी पार्टी ने हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए कहा
लेकिन वो जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है, या पार्टी ने जिस फेवर में वोट डालने के लिए कहा वो उसके अगेंस्ट वोट डालता है, या अपनी मर्जी से पार्टी बदलता है, ये सब डिफेक्शन माना जाता है। हालांकि कुछ लूपहोल्स के कारण एंटी डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन को खत्म करने में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इससे पार्टी लीडर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक एडिशनल पावर है कि वो मेंबर्स को कंट्रोल कर सके और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में एक स्टेबिलिटी ला सके।